हेलो गिटारलर्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा लेसन है वो लेसन नंबर 6। इसमें हम सीखने वाले हैं कुछ बेसिक कॉर्ड्स और जो गिटार डायग्राम होता है, कॉर्ड डायग्राम, उसे हम कैसे पढ़ते हैं, उसे लर्न कैसे करते हैं, मतलब कैसे गिटार कोड पढ़ा जाता है, उसे हम सीखने वाले हैं। तो बने रहिएगा इस वीडियो में मेरे साथ, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है ये आप सभी के लिए। तो लेट्स स्टार्ट। सो जितने भी लोग अभी एक्टिव हैं, मतलब ये पूरी गिटार सीरीज फॉलो कर रहे हैं, वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्रेजेंट अपनी जरूर लगा दीजिए कि आप क्लास में हाजिर हैं या नहीं, है ना, क्योंकि अभी क्लास स्टार्ट होने वाली है आपकी बेसिक क्लास। सो गाइस, आई नो कि ये गिटार सीरीज थोड़ी स्लो चल रही है, उसका एक रीज़न है, क्योंकि सबसे पहली बात आपने मुझे कही थी जब मैंने गिटार सीरीज शुरू की थी, तो आपने कहा था भाई जैसा आपको सिखाया गया है वैसे सेम आप हमें सिखाइएगा प्लीज़। तो गाइज मुझे इतना ही टाइम लगाया गया था एक एक प्रैक्टिस पे, ये फिर भी मैं वीडियो जल्दी बना रहा हूँ, बट मुझे जो फिंगर प्रैक्टिस है उस पर बहुत टाइम लगवाया गया है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लगा के मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि आप अच्छे से जो पुराना काम है, जो आपको होमवर्क दिया गया है, उसे आप अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको देख नहीं सकता, है ना, मतलब कि आप प्रैक्टिस सही कर रहे हो या गलत, ये सब कुछ आप पे डिपेंडेंट है। तो इसलिए वीडियोस थोड़ा लेट आते हैं कि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ही आगे का देखिए, ठीक है। तो इसे ये ना समझिएगा मैं आलसी हूँ वैसे तो मैं आलसी हूँ, बट वीडियो लेट लाने का लॉजिक, जो मेन मकसद मेरा यही है कि आप पिछला काम पूरी अच्छे से कर सकें, ठीक है। जो आगे वाले वीडियोस होंगे उसमें हम म्यूजिक थ्योरी के बारे में जानेंगे, सब कुछ नोट्स जो 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 मतलब मेन फंडा होता है गिटार का, सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। फिलहाल के लिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ हैवी काम नहीं करा रहा आपको, यानी कि नहीं बता रहा हूँ ताकि वो एकदम से दिमाग पर बोझ ना पड़े, है ना। हम बिल्कुल बेसिक बेसिक काम कर रहे हैं, तो इसलिए आज हम बिल्कुल बेसिक 3 कॉर्ड सीखने वाले हैं आसानी से, और आज के वीडियो के बाद आप कोई भी कॉर्ड डायग्राम आसानी से पढ़ पाओगे, ठीक है, बेसिक कॉर्ड वाला। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो गाइस, आज हम 3 बेसिक कॉर्ड सीखने वाले हैं, ठीक है। और ये कॉर्ड्स क्या होता है, मतलब कौन कौन से कॉर्ड्स होते हैं, ये म्यूजिक थ्योरी का जो लेसन आएगा उसमें हम क्लियर करेंगे। मैं इसलिए धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि, मतलब इसलिए ये प्रोग्रेस जो है धीरे चल रहा है, ताकि मैं नहीं चाहता कि एकदम ही आपके झटके से मतलब वीडियो दे दूँ और आप मतलब पूरा वीडियो देख भी ना पाए अच्छे से, है ना। तो एक स्टेप बाय स्टेप काम हो रहा है ये, क्योंकि बेसिक मतलब गिटार लेसन है, तो धीरे धीरे ही हम सीखेंगे इसको, तेज़ी से सीखेंगे तो वो कोई बेनिफिशियल नहीं रहेगा। तो आई होप आपने पहले वाली प्रैक्टिसेस कर ली होंगी जितनी भी मैंने आपको फिंगर प्रैक्टिसेस बताई हैं, ठीक है। अगर नहीं करी तो प्लीज़ उसे पहले अच्छे से कीजिए, उसके बाद इस जो मुकाम पे आइए। तो आज हम सीखने वाले हैं पहला कॉर्ड हमारा, दैट इज़ ए कॉर्ड। ए कॉर्ड कैसे बजता है, और हम कॉर्ड डायग्राम बनाना सीखेंगे, कॉर्ड डायग्राम कैसे रीड आउट करते हैं और उसे कैसे बनाते हैं, ठीक है। अगर आप गूगल पे सर्च करोगे, गूगल पे, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा, ए कॉर्ड डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा आपको इमेजेस में जाके, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसे हम कैसे रीड करेंगे, तो चलिए फिर देखते हैं। सबसे पहले आप इस साइड देख रहे होंगे मेरे गिटार बना हुआ है, ठीक है। गिटार का जो हमने नेक है, जो हमारा फ्रेट बोर्ड पार्ट है, आप समझिए हमने वो पार्ट ही ड्रॉ करना है, ठीक है। कैसे कर रहे हैं तो चलिए पहले देखते हैं। हमने पहले 6 स्ट्रिंग्स बनानी है, 1 2 3 4 5 6। आप मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, बस लॉजिक को समझिएगा। अब ये समझ लीजिए आप, ये गिटार का नेक है हमारा, ठीक है। ये जो हमारा गिटार का नेक है, जैसा कि यहाँ पर आप गिटार देख रहे हैं, ये हमने नेक बना लिया गिटार का, बट हमने क्या करा, पहले हमने 6 फ्रेट्स ही बनाए, ये जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, ठीक है, यानी कि छठा। ये हमने पहले 6 फ्रेट ही बनाए हैं अभी, ठीक है। और जो हमारी स्ट्रिंग्स के नेम है, जो फर्स्ट स्ट्रिंग होगी वो यहाँ से नहीं शुरू होगी, यहाँ से शुरू होगी, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पिछले गिटार लेसन में भी बताया, तो फर्स्ट स्ट्रिंग ई, सेकंड बी, जी, डी, ए एंड देन ई। ये लोअर ई है जो सबसे मोटी वाली स्ट्रिंग होती है, ये हाई ई है जो सबसे पतली वाली होती है, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर है। अब ये देख लीजिए, सपोज कीजिए कि ये पहला फ्रेट है, यानी कि पहला फ्रेट है ये, ठीक है। ये सेकंड फ्रेट है, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। हम बाकी का नहीं बनाएंगे, बस हमने जितने कॉर्ड के लिए हमें चाहिए उतना ही फ्रेट बनाएंगे, ठीक है। मोस्टली हम 4-5 ही फ्रेट्स बनाते हैं, ये मैंने फिर भी 6 बना दिए, ठीक है। तो पहला कॉर्ड देखेंगे हम, पहला कॉर्ड है हमारा ए कॉर्ड। ए कॉर्ड का डायग्राम होगा कुछ इस तरह, यानी कि फर्स्ट
सेकंड, थर्ड। अब ये फर्स्ट सेकंड, थर्ड क्या है? याद कीजिए, मैंने आपको फिंगर्स के नेम बताए थे पिछले लेसन में, यानी कि हमारी फर्स्ट फिंगर कौन सी है जो इंडेक्स वाली वगैरह वगैरह। ऐसे ही यानी कि हमने सेकंड फ्रेट पे डी स्ट्रिंग पे फर्स्ट फिंगर रखनी है, प्रेस करनी है, एंड सेम सेकंड फ्रेट की जी स्ट्रिंग सेकंड फिंगर से प्रेस करनी है, अगेन सेकंड फ्रेट की बी स्ट्रिंग थर्ड फिंगर से प्रेस करनी है, तो वो ए का साउंड निकलेगा। यहाँ पर आप जो डायग्राम देख सकते हैं गूगल वाला, कुछ ऐसा दिखेगा आपको, सेम टू सेम ऐसे ही, ठीक है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं कि कुछ कुछ स्ट्रिंग्स पे ऐसे क्रॉस का निशान बना होता है, जैसे ये ए पे बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? यानी कि जब हम ए कॉर्ड बजाएंगे तो हम इस स्ट्रिंग को प्ले नहीं करेंगे, ठीक है। बहुत से कॉर्ड होंगे जिन पे जैसे लास्ट वाली स्ट्रिंग पे क्रॉस लगा होगा, समथिंग ऐसे कुछ, है ना। तो फिलहाल जो ए स्ट्रिंग, जो हमारा ए कॉर्ड है, वो कुछ इस तरह बजेगा और उसमें ई स्ट्रिंग नहीं बजेगी, ठीक है। ये एक रूल है, बट मोस्टली हम क्या करते हैं, बजा ही देते हैं सभी स्ट्रिंग्स, तो टेस्ट के अकॉर्डिंग है, ठीक है। वैसे जो हमारा रूल कहता है, जो गूगल पे हमें शो होता है ना, वो कि हम ई स्ट्रिंग को म्यूट रखेंगे और बाकी सभी पांच स्ट्रिंग्स प्ले करेंगे तो ए का साउंड आएगा, राइट। ये हुआ हमारा ए कॉर्ड, राइट। पहला कॉर्ड सीखा, दूसरे कॉर्ड पे चलते हैं। सो गाइस, जो हमारा सेकंड बेसिक कॉर्ड है वो है सी कॉर्ड। अब सी कॉर्ड को बनाने के लिए सबसे पहले हम पैटर्न ड्रॉ करेंगे हमारा जो डायग्राम है, ठीक है। ये छह लाइंस मैंने ड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। इसे हम ऐसे क्रॉस करेंगे, मतलब ये आपका पूरा फ्रेटबोर्ड का पार्ट बन गया। आपको इतना क्लियर हो गया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है, इतने समझदार तो आप लोग हैं ही। तो सबसे पहली स्ट्रिंग ई बी जी डी ए ई, जो मोस्टली आप कोर्ड्स देखोगे गूगल पर तो उस पर ये नहीं लिखा होगा ई बी जी डी ए, ये मैं आपको बस एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा हो गया फर्स्ट फ्रेट, ये सेकंड, ऐसे ऐसे चलेगा ये, ठीक है। अब मैं इस पर ज़्यादा नहीं फैलाऊंगा पेन। तो सी कोड बजाने के लिए हमें क्या करना है, देखिए पहले मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। राइट, यानी कि जो हमारा फर्स्ट फ्रेट है, ये हमारा फर्स्ट फ्रेट हुआ ना, इसकी सेकंड स्ट्रिंग यानी बी स्ट्रिंग पे हमने फर्स्ट स्ट्रिंग प्रेस करनी है, ठीक है। और जो हमारा सेकंड फ्रेट है उसकी डी स्ट्रिंग पे हमने सेकंड जो फिंगर हमारी वो प्रेस करनी है, एंड देन जो थर्ड फ्रेट है उस पर हमने फिफ्थ स्ट्रिंग पे थर्ड फिंगर प्रेस करनी है। तो इसको आप जब प्ले करोगे तो सी साउंड बनेगा, ठीक है, यानी कि सी कॉर्ड बनेगा, राइट। नेक्स्ट कॉर्ड, सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट कॉर्ड है वो है ई कॉर्ड। ई कॉर्ड को हम ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम अपना जो डायग्राम है कॉर्ड डायग्राम वो बनाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसा हमने अपना डायग्राम बना लिया है, आप इसे ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब फ्रेट वाइज फ्रेट, ठीक है। ये मैंने पीछे नहीं करे थे, मतलब यहाँ पर हम ऐसे दिखा सकते हैं कि ये फर्स्ट फ्रेट है, ये सेकंड। तो सब अपने ऊपर डिपेंड है, आप आई थिंक आपको इतना पता लग गया होगा, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं कर रहा हूँ यहाँ पर, ई बी जी डी ए ई। मेरी राइटिंग पे इतना मत हंसिएगा, बस आप समझ लीजिए जो। तो देखिए गाइस ये कैसे बनेगा, देखिए जो हमारी फर्स्ट यानी कि जो हमारा फर्स्ट फ्रेट है उसकी जी स्ट्रिंग पे हमने फर्स्ट फिंगर रखनी है, जो मैंने नंबर पाया है, यानी कि हमारी फिंगर्स नेम, ठीक है। जो हमारा सेकंड फ्रेट है उसकी फिफ्थ स्ट्रिंग पे हमने सेकंड फिंगर रखनी है, यानी कि मिडल फिंगर, ठीक है। जो हमारा सेकंड फ्रेट है उसकी डी स्ट्रिंग पे हमने रखनी है थर्ड फिंगर, ठीक है। तो वो साउंड करेगी ई मेजर का, यानी मेजर माइनर क्या होते हैं ये हम इन फ्यूचर जानेंगे। सो गाइस, जो हमारा फर्स्ट कॉर्ड है ए कॉर्ड, वो कैसे प्ले होगा प्रैक्टिकली गिटार पे, तो कुछ देखिए। हमने जो कॉर्ड डायग्राम बनाया था उस पर हमने सेकंड फ्रेट पे जो हमारी फोर्थ स्ट्रिंग थी उस पर फर्स्ट फिंगर रखी थी, है ना, वहाँ पर फर्स्ट डॉट पाई थी और फर्स्ट नंबर लिखा था। तो हमने सेम वैसे ही करना, राइट। और जो सेम फ्रेट की हमने थर्ड स्ट्रिंग पे सेकंड फिंगर रखनी है, ठीक है। एंड जो हमारी थर्ड फिंगर रिंग फिंगर, इसे हमने रखना सेकंड फ्रेट की सेकंड स्ट्रिंग पे। और जो हमारी सिक्स्थ स्ट्रिंग है उस पर म्यूट लिखा था, आप चाहे तो प्ले भी कर सकते हैं चाहे तो नहीं भी कर सकते, ठीक है। फिलहाल मैं पहली पांच स्ट्रिंग्स प्ले कर रहा हूँ।
कुछ ऐसा साउंड आएगा, ठीक है। आप इमेज में भी देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा साउंड करेगी, ए कॉर्ड, ठीक है। नेक्स्ट कॉर्ड देखिए, नेक्स्ट कॉर्ड है हमारा सी कॉर्ड। सी कॉर्ड के लिए हम डायग्राम देखते हैं पहले। डायग्राम आपने देख लिया होगा, आई थिंक आपको कॉर्ड डायग्राम कॉपी पे ड्रॉ कर लेना चाहिए ताकि आसानी हो सके आपको, ठीक है। तो जो सी कॉर्ड है उसे हमने क्या करना है, जो फर्स्ट फिंगर है वो हमने रखनी है फर्स्ट फ्रेट की सेकेंड स्ट्रिंग पे, कुछ इस तरह, ठीक है। जो हमारी मिडिल फिंगर है वो रखनी है सेकेंड फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग पे, है ना, कॉर्ड के हिसाब से, डायग्राम के हिसाब से, सॉरी। जो थर्ड फिंगर है वो रखनी है थर्ड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग पे। ये हमारा बना सी मेजर। मेजर माइनर क्या होते हैं हम बाद में जानेंगे, फिलहाल ये सी कॉर्ड जान लीजिए आप, ठीक है। सी कॉर्ड इसे हम मेजर भी बोल सकते हैं, ठीक है, यानी सी मेजर कॉर्ड। मेजर माइनर क्या होता है ये हम नेक्स्ट वाली वीडियोस में जानेंगे। इसके बाद बारी आती है ई कॉर्ड की। ई कॉर्ड के लिए हमें क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट फिंगर है वो हमने रखनी है फर्स्ट फ्रेट की थर्ड स्ट्रिंग पे, ठीक है। जो सेकंड फिंगर है वो रखनी है हमने सेकंड फ्रेट की फिफ्थ स्ट्रिंग पे। जो थर्ड फिंगर है वो रखनी है सेकंड फ्रेट की फोर्थ स्ट्रिंग पे। ये बना हमारा ई कॉर्ड। सो आई गेस इतना क्लियर है, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। सो गाइस आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा हो तो डिसलाइक कीजिए। वेट करिए नेक्स्ट लेसन का, तब तक अपनी प्रैक्टिस जारी रखिए, फिंगर प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे गिटारिस्ट बने तो डेली प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि आपकी आज की मेहनत ही आपको इन फ्यूचर काम आएगी, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।